चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र से महिला उम्मीदवार वनिता राउत इस वक्त हमारे साथ है। वो अलग मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव क्षेत्र में उतरी है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चर्चा में है, यही जानने के लिए आज हम वनिता राउत से बात करने वाले हैं। हमारे साथ वनिता राउत मौजूद है। क्या बताएंगे आप, कुछ अलग मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरी है और ये जो मुद्दे हैं फिलहाल खूब चर्चा में, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरी है बताइए। मैं गांव, जहां गांव वहां बेर बार, ऐसे मेरे मुद्दे है। इस मुद्दे पे मैं चुनाव में खड़ी हूँ और जो गौर गरीब जनता है उसमें जो अभी सरकार आनंद का शिद्दा दे रहे हैं, वो आनंद शिद्दा के साथ एक बिस्की बिहर सरकार ने देना चाहिए गौर गरीब लोगों को। ऐसा मेरे ये मेरे मुद्दे है। और ये भी मुद्दे है कि जहाँ गांव वहाँ बियर बार, जो लोग पीते हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो बेचते हैं उनको भी पास लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे ये मेरे मुद्दे है। और राशन कार्ड में जो गौर गरीब जनता है, तो आनंद के सिद्धे के साथ अभी साड़ी भी सरकार ने बांटी है राशन कार्ड में, वैसे एक बिस्की और बियर मैं देना चाहूँगी। और जब चंद्रपुर क्षेत्र के लोगों ने अगर मुझे खासदार बना दिया तो मैं उनको आनंद सिद्ध के साथ बिस्की बियर मेरे खासदार निधि से मैं उनको देना चाहूँगी। आपने यही मुद्दा क्यों चुना, क्या क्या वजह है इसके पीछे? इसके वजह एक पीछे है कि गौर गरीब लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको मालूम नहीं है बिस्की बियर क्या है, बेचारे देशी पीते हैं, लुढ़क जाते हैं और उनको लिमिट नहीं, अनलिमिटेड देशी पी लेते हैं। तो उनको ये भी सिखाना है कि बड़े बड़े लोग कैसी दारू पीते हैं, उनकी कैसी टेस्ट रहती है, क्या रहती है। तो ये मेरे गौर गरीब जो के काम करी कष्ट करी जो लोग हैं उनको भी थोड़ी थार मतलब विदेशी दारू कैसी लगती है इसकी, और उसको पीने के बाद उनको कैसा आनंद मिलता है, सिर्फ मैं उनको आनंद ही देखना चाहती हूँ। मेरे गौर गरीब जो पीने वाले लोग हैं मैं सिर्फ उनको आनंद देना चाहती हूँ। तो आनंद देने के लिए आपने ये रास्ता क्यों, शराब का ही रास्ता सुना, क्योंकि शराब के माध्यम से कई घर बर्बाद हुए हैं, तब आप और आप शराब का मुद्दा लेकर मैदान में उतरी है। तो बर्बाद हुए इसलिए मैं तो यहाँ खड़ी हूँ अभी। अभी जो अनलिमिटेड पी रहे हैं, जैसे गांव में छुपा छुपा के दारू पीते हैं, और छोटे छोटे बच्चे अभी जो लायक भी नहीं है 18 साल के बीच में ही छोटे छोटे बच्चे दारू पीते हैं। तो जो मैं ये मुद्दा खड़ा करी हूँ कि जो पीने वाला है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। तो सरकार का नियम है और वो कितने साल का होगा तब उसके पास लाइसेंस रहना चाहिए, और जो बेचता है दारू उसके पास भी एक लाइसेंस होना चाहिए, और जगह वहाँ बियर बार होना चाहिए, और तुम कायदेशीर मार्ग से दारू पियो, और सब लोगों को दिखना चाहिए कौन बियर बार में जा रहा है, कौन पी रहा है, किसके पास लाइसेंस है, किसके पास नहीं है, ये सब सबके सामने और सरकार के सामने भी आना चाहिए। बाकी जो उम्मीदवार हैं वो विकास का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं आप, इस मुद्दे को लेकर शराब शुरू करने को लेकर आप मैदान में उतरे, तो क्या बदलाव आएगा इससे, आपको क्या लगता है? बदलाव आए ना आए मैं, लेकिन मेरे जो गौर गरीब जनता है मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जब भी उनको कोई उत्सव साजरा करना हो, जैसे कोई त्यौहार आता है, तो उनके पास सिर्फ शराब के सिवाय कोई खुशी नहीं है। जब शराब पियेंगे तभी वो खुश हो जाते हैं। तो इसके लिए ये बिस्की और बियर, मैं राशन कार्ड जो अंत्योदय है, जो आनंद का सीधा मिलता है उसके माध्यम से देना चाहूँगी। अगर चंद्रपुर क्षेत्र के लोगों ने मुझे अगर खासदार बनाया है तो मैं अपने खासदार निधि से उनको आनंद के सिद्धे पर मैं और बिस्की बियर 5 जैसे आनंद के सिद्धे कितने बार मिलते हैं उतने बार संति और पे मैं देना चाहूँगी, बस इतने। धन्यवाद। जय भारत। आपने लोकसभा चुनाव 2019 में भी लड़ा था और विधानसभा चुनाव, तो ये थे वनिता राउत जिन्होंने शराब के मुद्दे को लेकर ये जो लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो सांसद चुनकर आती है तो वो उनके सांसद निधि से यहाँ गरीब लोगों को राशन कार्ड के माध्यम से सस्ती दारू, विदेशी दारू उपलब्ध कराएंगी। और इसी मुद्दे को लेकर वनिता राउत चुनाव लड़ रही है और खूब चर्चा भी बटोर रही है। विकास राजू का चंद्रपुर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।